हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो संस्कृत है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इसकी चौथी वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि लगातार रोती हुई कन्या को देखकर गुरु और शिष्य क्या करने में सफल नहीं हुए। तो आंसर है आंसू रोकने में। फिर अगला क्वेश्चन है कि माँ भैंसी पुत्री तवाम मातु समीपे प्राप्यसिष्याम यह कथन किसका है? तो आंसर है आश्रम के गुरु का। फिर अगला क्वेश्चन है कि आश्रम में रोती हुई कन्या किसकी पुत्री थी? तो आंसर है ब्राह्मण की। फिर अगला क्वेश्चन है कि यवन युवक ने जो ही छुरी दिखाकर कन्या का रोना शांत करना चाहा, त्यों ही कौन आ गया? तो आंसर है भालू। फिर अगला क्वेश्चन है कि भालू को आया देखकर यवन युवक ने क्या किया? तो आंसर है ब्रिज पर चढ़ गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि यवन युवक भालू को देखकर जिस वृक्ष पर चढ़ा वह कौन सा वृक्ष था? ये भी पूछ देगा कि वृक्ष का नाम। तो आंसर है सालमली वृक्ष का, वृक्ष पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु से कन्या के अपहरण की बात सुनकर योगीराज ने किसके राज्य में दुराचार होने पर आश्चर्य प्रकट किया? तो आंसर है विक्रम के। फिर अगला क्वेश्चन है कि महमूद नाम का युवन किस स्थान का निवासी था? तो आंसर है गजनी का। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुराणी पिष्टवा पानीयेषु पात्यन्ते यहाँ किस अलंकार की छटा है? तो आंसर है अनुप्रास की। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधापि तद विजय पताका मम चक्षुषोरग्रतः इव समुद्र दुर्यन्ते यह कथन है? तो आंसर है योगीराज का। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।